प्रिय छात्र अध्यापकों, क्या हाल चाल है आप लोगों को? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे। और जो भी वीडियो भेजा जा रहा है उसके माध्यम से अपने ज्ञान में अपने अनुभव में कुछ वृद्धि कर पा रहे होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास के साथ आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि जो हम लोग जिस पर बात हो रही है वो आपका स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जो वृद्धि और विकास की अवस्था है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज हम भी स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्फेंसी या शैशवावस्था के दौरान वृद्धि और विकास किस प्रकार से होता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं शिक्षा में उसका, या ऐसे बच्चे जो इस स्टेज में हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों पर आज भी इस वीडियो में चर्चा करें। तो समय ना गवाते हुए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि बोर्ड में आप सबको बताया गया था कि जो बाल्यावस्था है और शैशवावस्था और किशोरावस्था, इनके विषय में बातें हम लोग करें। विकास के जो पक्ष हैं, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, इन सारे दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विकास की प्रक्रिया होकर गुजरती है और इन्हीं सब के माध्यम से हम लोग अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे, शैशवावस्था में विकास किस प्रकार से होता है, शैशवावस्था की आयु क्या है, शैशवावस्था को लोगों ने इतना महत्वपूर्ण माना है शिक्षा शैक्षिक विकास की दृष्टि से, शिक्षा के स्तर की दृष्टि से, इन्हीं सब बातों पर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं शैशवावस्था में विकास। तो शैशवावस्था में जन्म के उपरांत मानव के विकास की ये प्रथम अवस्था है और इसमें शैशवावस्था को मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल भी माना जाता है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। जो भी जितना विकास इस समय बालक का होना होता है वह रहता है, वो पूरे भविष्य उसके कहीं ना कहीं उसका महत्व होता है और काम में आता है। इस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की जो 6 वर्ष हैं, इन 6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क काफ़ी ग्रहणशील होते हैं, रिस्पेक्टिव रहते हैं और इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है, जो कुछ भी उनको बताया जाता है उसको ही वही बहुत अच्छे ढंग से सीख लेते हैं और वह उनका जीवन में उसका एक प्रभाव पड़ता है। शिशु को अंग्रेजी में अगर हम देखें तो अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं और इन्फेंट का आशय है, अगर हम देखें तो इन्फेंट लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, इन व पारी से मिलकर बना हुआ। इन का अर्थ है नहीं, पारी का अर्थ है बोलना, अर्थात इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ है बोलने के अयोग्य, ऐसे बालक जो बोलने के अयोग्य होते हैं। अतः इन्फेंट शब्द का अगर बच्चों की उस अवस्था तक के लिए प्रयोग किया जाता है, जब वो सार्थक शब्दों का प्रयोग
करते हैं तो सामान्यतः 3 वर्ष ज्ञान तक बालक शब्दों का सार्थक प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। जो 3 वर्ष का हो जाता है शब्दों का प्रयोग हुआ प्रारंभ कर देता है। और अगर हम तकनीकी दृष्टि से 3 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहते हैं तथा 3 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, तो उसकी अलग अलग क्रियाएँ हैं अलग अलग। तो अब हम लोग चलते हैं शैशवावस्था की क्या कौन विशेषताएँ हैं। उन विशेषताओं को जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसको अच्छी प्रकार से बच्चों में क्या विकास होता है, किसी प्रक्रिया होती है, क्या उनको उनकी क्या मेन आवश्यकताएँ हैं, ये सब विकास की जो विशेषताएँ हैं शैशवावस्था की, उनको पढ़ने के बाद या उनका अध्ययन करने के बाद या उनको सुनने के बाद उनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है, जिससे कि उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने में अभिभावक को, माता पिता को या शिक्षक को बहुत सहायता मिलती है। तो आइए हम लोग चलते हैं शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएँ। तो शैशवावस्था की जो विकासात्मक विशेषताएँ हैं वह होता है, अगर हम देखें तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, इन सारी दृष्टियों से कुछ प्रमुख विशेषताएँ जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला और सर्व प्रमुख जो विशेषता है वो शारीरिक विकास की तीव्रता, रेपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट। शैशवावस्था में विशेष करके इसके प्रथम वर्षों में शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, और तीव्र गति से इतना होता है कि बच्चों में लंबाई, भार या शरीर के अन्य जो अंग हैं, मांसपेशियां हैं, स्नायु तंत्रिका तंत्र है, ये सब में तीव्र गति से वृद्धि होती है, और शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का भी क्रमिक विकास होता रहता है। तो कहने का अभिप्राय है शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, पहली विशेषता। दूसरे क्या, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। इसको अगर हम देखें तो शैशवावस्था में उसकी जो समस्त मानसिक क्षमताएं हैं, जैसे ध्यान हो गया, स्मरण हो गया, कल्पना हो गई, संवेदना हो गई, प्रत्यक्षीकरण हो गए आदि की विकास में काफ़ी तीव्रता रहती है। यह माना जाता है कि व्यक्ति को कुल मानसिक विकास का लगभग आधा, जितना उनका पूरा मानसिक विकास है उसका आधा इन वर्षों में या लगभग 5 वर्षों में तक में पूर्ण हो जाता है। यानी जितना होना होता है विकास उसका आधा इन्हीं 5-6 वर्षों में बालक का हो जाता है। फिर अगला, सीखने में तीव्रता। सीखने में तीव्रता, बच्चे साफ सब जानते हैं तो सीखने की गति बहुत इनकी तीव्र होती है। शैशवावस्था के प्रथम 6 वर्षों में लगभग वो इतना सीख लेते हैं जितना कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बच्चे सीखते हैं। तो काफ़ी तीव्र से बच्चे यहाँ पे सीखते भी हैं। तो इसी के आधार पर शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बच्चे जितना इन 6 वर्षों में सीखते हैं उतना वो जीवन के 12 वर्षों में, अगले 12 वर्षों में सीखते हैं। अगली विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन। तो ये क्या है, शैशवावस्था में शिशु ने शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। आप सब देखे होंगे, छोटे बच्चे होंगे घर में, परिवार में, तो उनमें दोहराने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। दोहराने को क्या उनको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, तो इस तरीके से दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। और दोहराने में शिशु एक प्रकार के आनंद का अनुभव करता है, एक प्रकार के आनंद का अनुभव करता है। फिर अगला, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी टेंडेंसी।
जिज्ञासा की प्रवृत्ति से ऐसा है बच्चों में किसी भी चीज को जानना जिज्ञास हो गए। वह छोटी छोटी बातों के बारे में जानना चाहते हैं और छोटा शिशु होता है तो खिलौना या अन्य वस्तु को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके या किसी ढंग से अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। बड़ा शिशु अपने से अधिक आयु के बालकों से या विभिन्न वस्तुओं तथा बातों के संबंध में तरह तरह के क्या क्यों कैसे से प्रश्न पूछ कर अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं। अगला है त्वरित निर्भरता, यानी इस आयु में बच्चे जिज्ञास प्राप्ति होते हैं, उनकी जिज्ञासाएँ होती हैं, जिज्ञासाओं को पूरा भी करना चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल जोर जबरदस्ती हुए किसी बात को मनवा करके और उनको शांत कर देना चाहिए, बल्कि उनकी जो भी जिज्ञासाएँ हैं, जो भी उनके प्रश्न हैं, जो भी उनकी समस्याएँ हैं, उनका बड़ी शालीनता से बड़े ही धैर्यपूर्वक जहाँ तक संभव हो सके उसका निदान किया जाना चाहिए। डिपेंडेंस ऑन अदर्स अगले क्या है, ये पर निर्भर होते हैं, दूसरे ऊपर पूरी तरह से आश्रित होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें क्रियाकलाप से लेकर के जो भी और उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ सारा काम उनका दूसरों के द्वारा किया जाता है, साथ ही उनमें शारीरिक जो भी आवश्यकताएँ स्वयं सुरक्षा की मांग हो तो सुरक्षा की दृष्टि से वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हमेशा अपने पर सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए हमेशा बच्चे के पास कोई ना कोई जरूर उपस्थित रहता है, कोई ना कोई जरूर रहता है, बच्चों को कोई जमीन नहीं छोड़ा जाता, इसलिए ऐसा किया जाता है कि वे पूरी तरीके से इतना मेच्योर नहीं होते हैं जो अपने समस्याओं के अपना कार्य भी स्वयं कर पाए। इस तरीके से पर निर्भरता होती है, देखी जाती है बच्चों में इस आयु में भी आपकी विशेषता। अब इसमें प्रेम सहानुभूति सुरक्षा के लिए अन्य व्यक्तियों को आश्रित होना पड़ता है, अतः विशेष रूप से अपनी मातृभाषा पर और माता पर निर्भर रहता है। शैशवावस्था में शिशु परिवार के तो इसमें शैशवावस्था में शिशु दूसरे पर पूरी तरीके से निश्चित होता है, उसके साथ उसी पर निर्भर करता है, प्रेम सहानुभूति सुरक्षा है ये सारी दृष्टिकोण से वह दूसरे पर आश्रित रहता है, वह विशेष रूप से अपनी माता पर निर्भर रहता है। और जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा होकर के वह घर परिवार के अन्य सदस्यों पर भी आश्रित रहने स्वप्रेम की भावना। अगला क्या है, स्वप्रेम की भावना बच्चों में देखी जाती है, बच्चे शैशवावस्था में उसके अंदर स्वप्रेम की भावना काफ़ी प्रबल होती है, वह सभी को अत्यधिक सभी से अत्यधिक स्नेह पाना चाहता है, वह चाहता है कि वो उसे ही माता पिता भाई बहन आदि स्नेह करें। तो इस दृष्टिकोण से अपने देश में परिजनों के द्वारा अपने अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के से स्नेह पाते हैं, उनसे भी पूर्ण ईर्ष्या करते हैं, उनके माता पिता हैं उनकी छोटे घर में छोटे और बच्चे हैं, अगर उनसे वो स्नेह करते हैं प्रेम करते हैं तो बच्चों में ईर्ष्या होती है, जलन होती है और उस तरीके से वो अधिकार की भावना भी उनमें होती है, वह प्रत्येक वस्तु को केवल अपना अधिकार मानते हैं, है ना। तो उनमें ये भी ज़्यादा देखा जाता है इस अवस्था में, इसी स्वप्रेम की भावना इस अवस्था में देखी जाती है, संवेगों का प्रदर्शन। अगला क्या है, संवेगों का प्रदर्शन, जन्म के उपरांत शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता उत्तेजना को छोड़कर, इसके अतिरिक्त अन्य संवेग नहीं है, परंतु जैसे 2 वर्ष का हो जाता है तो 2 वर्ष के बालक में भय क्रोध तथा पीड़ा प्रसन्नता ये 4 मुख्य संवेग दिखाई देते हैं, यह संवेग विकसित होते हैं।
परंतु इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिक उसके रोने चिल्लाने का पैर फूटने कूदने और जो कि इसमें संपूर्ण संवेगपूर्ण क्रिया मानते हुए शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है, जन्म होगा तब से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से बच्चे में संवेगों का प्रदर्शन में सामाजिक भावना का विकास, जैसा कि हमने पहले भी कई बार बताया है कि शैशवावस्था में वैज्ञानिक आधार, शैशवावस्था में वैज्ञानिक प्रारंभिक वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना के एक तरीके से अभाव रहता है। छोटा शिशु अकेले ही खेलना चाहता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है उसका सामाजिक प्रसार होता जाता है, फैलाव होता जाता है और शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु की सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। वह अन्य शिशुओं में रुचि लेने लगता है, अन्य साथियों के साथ रहना पसंद करता है, अन्य के साथ कहीं जाना ना हो तो इस तरीके से उनमें धीरे धीरे सामाजिक दायरा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और वह से इतना सामाजिक उनका विकास हो जाता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो अपने छोटे भाई बहन या साथियों का बचाव करने का प्रयास करता है, उनकी मदद करता है और उनके साथ खेलना पसंद करता है, वस्तुओं को आदान प्रदान करना चाहता है, एक दूसरे के अधिकारों को ध्यान रखता है तथा अन्य बच्चों की जो भी परेशानियाँ हैं, उनके कष्ट हैं, उनके दुख हैं, उसको सांत्वना देने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से वह इसके माध्यम से वह उनकी परेशानियों को दूर करता है। तो और उसका सामाजिक विकास धीरे धीरे होने लगता है। अब है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जिसका बच्चे के विकास में काफ़ी योगदान होता है। ऐसे मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे बच्चे के भूख लगने पर रोने लगना, यह एक उसकी मूल प्रवृत्ति है। शिशु को भूख लगी तो रोने लगता है और सामने रखी कोई भी चीज़ है तो उसको मुख में डाल लेता है, कोई भी वस्तु है उसको मुख में डाल लेगा, यह क्या उसकी मूल प्रवृत्ति है। क्रोध आने पर शिशु रो करके अथवा हाथ पैर फेंक करके या अपने आसपास की वस्तुओं को फेंक करके अपने क्रोध को प्रकट करता है। तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार जो होते हैं इस अवस्था में बच्चों में देखे जाते हैं या होते हैं। फिर अगला है सेक्स इंस्टिंक्ट यानी काम प्रवृत्ति। फ्रायड और उनके साथ जो अन्य सहयोगी मनोवैज्ञानिक हैं अनुविश्लेषणवादी के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति क्या होती है, काफ़ी प्रबल होती है और परंतु शिशु उसकी अभिव्यक्ति वयस्कों के समान नहीं कर पाता है, बल्कि कैसे करता है, उसके जो माता पिता हैं, माता पिता के साथ रहना या अपने अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे हाथ के अंगूठे को चूसना, स्तनपान करना, ये सब चीज़ों के माध्यम से अपने काम प्रवृत्ति की संतुष्टि या काम प्रवृत्ति को करते हैं और ये सब काम के सूचक हैं। फ्रायड के अनुसार लड़कों में अपने माँ के प्रति प्रेम होता है और लड़कियों में अपने पिता के प्रति प्रेम भाव होता है। तो लड़कों में अपनी माँ के प्रति प्रेम जो होता है वो किसके कारण होता है, ओडिपस ग्रंथि होती है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है और जो माता लड़कियों का बालिकाओं का अपने पित्त के प्रति जो प्रेम का भाव होता है वह इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण होता है।
तीन दोनों नामों के आधार पर भी काफी बच्चों में जो देखी जाती भावना, चाहे माता पिता हों या बच्चे हों, उसके आधार पर के ये कहा जाता है कि ऐसी के आधार पर कार्ड या उनके सहयोगी मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि इसी अवस्था में काम की प्रकृति ही देखी जाती है। अगला है नैतिक भावना का विकास। नैतिक भावना का विकास, इसमें क्या है, शिशु में प्रायः नैतिक भावना का अभाव रहता है। जैसे सामाजिक भावना का अभाव प्रारंभ में बच्चे में रहता है, ऐसे ही नैतिक भावना का भी अभाव रहता है। उसे अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, इन सारी बातों का उसे सही से अच्छे तरीके से ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वह इन कार्यों को पसंद करना चाहता है, जिससे उसमें संतुष्टि अथवा आनंद की प्राप्ति होती है। भले ही उसे यह कार्य अनैतिक कहा जाए या सामाजिक कहा जाए, तो व्यक्तियों की दृष्टि से जो अवांछनीय भले ही सी चीजें हों, लेकिन अगर उसको शिशु को चीजें करना है या उसको अच्छी लगती है तो वो ऐसा करेगा, क्योंकि उसमें नैतिक नैतिक अच्छा बुरा सही गलत का ज्ञान उसको नहीं होता है। इस तरीके से नैतिक भावना का अभाव इस अवस्था में देखा जाता है। ये तो रही बातें कि जो भी इन फैंसी स्टेज में कि क्या विशेषताएं हैं मूल, इस पर बातें हमने बताई, 12-13 विशेषताएं जो भी बताई। अब इन विशेषताओं के आधार पर या इसका अध्ययन करके, इसको जान करके उनको एक अच्छी शिक्षा किस प्रकार से देना संभव है, उसके लिए उनको बहुत सारी शिक्षा के अंतर प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा उनको अच्छी शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। तो इस तरीके से उनमें देखें तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से उनको शिक्षा देने पर काफी हितकर होता है या उनका लाभ होता है। तो इन सारी विशेषताओं का ज्ञान होना काफी महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से भी आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस में चीजें रखी गई हैं, जिससे कि आप उनका पढ़ करके उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो अच्छाइयां हैं, उसको आप समझते रहेंगे तो उनको शिक्षा की व्यवस्था करने में काफी हेल्प मिलेगी, आपको काफी सहायता मिलेगी। तो इस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था में कैसे आप उनका सहयोग कर सकते हैं या कैसे उनको शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि उनका काफी लाभ हो या उनको अच्छी प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। तो लैक ऑफ मोरालिटी, तो उसमें नैतिक भावना का अभाव होता है। तो अब हम लोग आते हैं अब शैशवावस्था में शिक्षा, जो शैशवावस्था है इस अवस्था में बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे वह अच्छी प्रकार से जो भी उनका विकास होना है, ग्रोथ होना है, या शैक्षिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वह हो जाए। तो इस अवस्था में शिशु की शिक्षा का आयोजन करते समय कुछ बातें हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए या जिनका पालन किया जाए तो उनको काफी सहायता ही मिलेगी, काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले उचित वातावरण, उचित वातावरण, प्रॉपर इन्वायरमेंट। बच्चों में प्रारंभ से ही काफी ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि उनको अच्छी प्रकार से शिक्षा मिल सके, चाहे उनके संतुलित भोजन को, पौष्टिक आहार को लेकर के हो, या घर तथा घर के बाहर स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय हैं, तो वहां पर शिशुओं को शांत वातावरण होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक वातावरण होना चाहिए। जो भी इनको भोजन है वो पौष्टिक और संतुलित भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए और उपलब्ध कराए जाने का कोशिश जहाँ तक संभव करनी चाहिए। यहाँ पर वातावरण शब्द के अंतर्गत वातावरण के दोनों पक्ष, चाहे वो भौतिक हों या सामाजिक हों, दोनों उसमें समाहित रहते हैं। तो उनको दोनों के आधार पे ही उनको शिक्षा दी जा सकती है।
दूसरा है पालन पोषण। बच्चों में पालन पोषण, शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन एवं स्वास्थ्य वर्धक परिवेश अत्यंत आवश्यक है। अतः शिशु के पालन पोषण में भी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य वर्धक के साथ साथ संतुलित पौष्टिक भोजन भी मिल सके। तो बच्चों का पालन पोषण में भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, चाहे माता पिता हों या अन्य उनके संरक्षक लोग। फिर अगले जो बातें हैं वो है स्नेहपूर्ण वातावरण या स्नेहपूर्ण से व्यवहार। जो बच्चे छोटे हैं तो उनसे बहुत ही प्रेम मोहब्बत से पेश आना चाहिए। उनको बात बात पे मारना, डांटना या उन पे दबाव बनाना या उनके साथ मारपीट करना, जहाँ तक संभव हो सके इनसे बचना चाहिए, जिससे बच्चों में जो मूल भावनाएं हैं, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो मूल चीजें हैं, वह स्वाभाविक ढंग से विकसित हो सके, आगे बढ़े। अगर उनको किसी दबाव के द्वारा, किसी प्रेशर के द्वारा जबरदस्ती कुछ उनसे कार्य कराया जाएगा तो उनपे एक तरीके से जो प्रवृत्तियां होती हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं और वो अपनी बातों को स्वतंत्र ढंग से नहीं रख पाते। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है या आवश्यक है कि बच्चों में स्नेहपूर्ण वातावरण होना चाहिए और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। अन्य व्यक्तियों पर, क्योंकि वे निर्भर रहते हैं, इसलिए उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका पूरी तरीके से निदान किया जाना चाहिए। माता पिता, शिक्षक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसकी असहायपूर्ण स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए और शिशुओं में बात बात पर उन्हें डांटना, मारना, इनके साथ मारपीट करना या उनसे क्रोध के साथ पेश आना या इससे जहाँ तक संभव हो सके बचना चाहिए। और इसके उलट उनके साथ दया, प्रेम, शिष्टता, सहानुभूति, स्नेह का भाव रखना चाहिए और साथ ही उनके सहयोगात्मक प्रकार का व्यवहार भी उनके साथ किया जाना चाहिए। तो अगला है जिज्ञासा की संतुष्टि। क्योंकि हमने वहां पे विशेषता में देखा था कि बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं, तो काफी जिज्ञासु होते हैं तो उनमें जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए भी प्रयत्न किया जाना चाहिए, उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाना चाहिए। बच्चे चूंकि हर चीज के बारे में उनकी बारीकियों को, उनकी अच्छाइयों को या उनकी संबंधित जो भी है, वो हर चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे माता पिता हों, शिक्षक हों, तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, क्यूरियोसिटी है, उसको पूरी तरीके से वाद विवाद के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा, जैसा भी संभव हो सके उसकी पूर्ति होनी चाहिए। और शिशु अपने परिवेश में उपस्थित जो वस्तुएं हैं, व्यक्तियों के बारे में तरह तरह के प्रश्नों के द्वारा अपनी विभिन्न जो जिज्ञासाएं उनको शांत करना चाहता है। अतः माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, शिक्षक तथा उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते हैं और शिशु द्वारा बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों से उन्हें सीखना नहीं चाहिए या उन्हें खींचना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जो भी बातें हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उससे खींच नहीं बल्कि उसको संतुष्ट करने के लिए या उनको सही सार्थक उत्तर देने के लिए कोशिश की जानी चाहिए, जिससे कि उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको सही रूप में शांत किया जा सके। तो जिज्ञासा की संतुष्टि भी की जानी चाहिए बच्चों के, तो उससे काफी उनको लाभ मिलेगा। इससे बच्चों में एक तरीके से जो अंतर्मुखता की बातें होंगी या उनमें दबाव जैसी बातें होंगी वह नहीं रहेंगे और बच्चे अपनी जो स्वाभाविक कार्य है, क्रियाकलाप है, उसको वे करेंगे। तो जिज्ञासा की संतुष्टि बहुत जरूरी है चाहिए। फिर है सामाजिक भावना का विकास। चूंकि हमने वहां भी विशेषता में बताया था कि बच्चों में सामाजिकता का अभाव रहता है प्रारंभ में, तो सामाजिकता का अभाव रहता है इस कारण वे बहुत सारे नैतिक कार्य, सामाजिक कार्य या जो भी अच्छा बुरा है, सही गलत है, उसमें विभेद नहीं कर पाते हैं। तो विभेद न कर पाने के कारण उनमें सामाजिकता का विकास कम होता है।
तो ये ध्यान में रखना होगा शिक्षा का आयोजन करते समय कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास किस प्रकार से हो सके। सामाजिकता के विकास के लिए आवश्यक है कि अभिभावक, परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वे तथा शिक्षक उन्हें उसे अन्य बालकों के साथ मिलने, खेलने, कूदने, उछलने, उनके साथ बात करने, उनके साथ सहयोग करने, प्रतिक्रिया करने तथा खेलने के उपरांत तो उनको अवसर देना चाहिए। तो ये सारी चीजों का अगर आयोजन किया जाता है विद्यालय स्तर पर या घर के माता पिता कोशिश करें तो बच्चों में सामाजिक भावना को विकसित किया जा सकता है, उनका सामाजिक विकास करना संभव हो सकता है, जिससे जो भी प्रारंभ में उनके अंदर सामाजिक भावना का अभाव था वह पूरा हो सके और बच्चे उनका लाभ ले करके अपने ज्ञान में भी वृद्धि कर सकें। फिर अगला, मानसिक क्रियाओं को अवसर। मानसिक क्रियाएं क्या है? हमने आपको पहले बताया कि जो मानसिक क्रियाएं हैं, अटेंशन हो गया, मेमोरी हो गया, इमेजिनेशन हो गया और ये सारी चीजें, तो इन सारे जो क्रियाएं हैं इसको बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। मानसिक क्रियाओं को अधिक से अधिक अवसर होना चाहिए जिससे वह अपने जो सर्वोत्तम मानसिक विकास है उसको कर सकें। उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक वातावरण हो तो अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, वो भी अगर ध्यान दें तो उनके जो ज्ञान है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो मानसिक क्रियाओं को बढ़ने का अवसर भी बच्चों को दिया जाना चाहिए जिससे वह अपने मानसिक विकास की प्रक्रिया को सही दिशा में और सर्वोत्तम ढंग से उसको विकसित कर सकें। तो मानसिक विकास के लिए भी उनको अवसर माता पिता और शिक्षक के द्वारा देना दिया जाए तो अच्छा रहे। तो शिक्षा का आयोजन करते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चों में सामाजिक भावना का विकास हो सके और वह जो भी उनकी मानसिक जरूरतें हैं, क्रियाएं हैं, उनको पर्याप्त अवसर बढ़ने के लिए मिल सके। फिर अगला है वार्तालाप के अवसर। वार्तालाप के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर कन्वर्सेशन। बालक की भाषा के विकास की दृष्टि से उसे उपलब्ध वार्तालाप के अवसर तथा भाषाई परिवेश भी बहुत जरूरी है। इसके द्वारा भी उसको उसकी भाषा का विकास किया जा सकता है। चूंकि प्रारंभ में उसकी भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है तो अगर हम उसके साथ वार्तालाप करें तो वार्तालाप के द्वारा बहुत सारे नए नए शब्दों को जानना, बोलने का तरीका, सही वाक्य विन्यास, इन सब चीजों का विकास हो सकता है। तो वार्तालाप के अवसर बच्चों को पर्याप्त की सुविधा देना चाहिए जिससे उनका भाषाई ज्ञान बढ़ सके और अच्छी प्रकार से भाषा सीख सकें और उसका प्रयोग भी करना प्रारंभ कर दें। तो उपलब्ध वातावरण के लिए अवसर होना चाहिए तथा भाषाई परिवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिभावक हैं, परिजन हैं, शिक्षक हैं, ये सब पूरा सहयोग उसका इसमें करना चाहिए और शिशुओं को छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएँ सुनानी चाहिए, याद करानी चाहिए जिससे उसे कुछ वे प्रेरणा ले सकें और उनमें सृजनात्मकता की वृद्धि भी हो सके। और शिशुओं के साथ साथ उनकी सरल भाषा में वार्तालाप करना, उनसे उनकी मातृभाषा में वार्तालाप करना जिससे धीरे धीरे वह मातृभाषा से प्रारंभ करके उनको जो भी एक भाषा है उसको भी बताया पढ़ाना जाना चाहिए, उसका भी ध्यान देना चाहिए जिससे उनमें शब्द भंडार, व्याकरण की दृष्टि से भी उनके ज्ञान काफी हो सके। तो रही बातें वार्तालाप के अवसर। अब है आत्म प्रदर्शन के अवसर। आत्म प्रदर्शन के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेशन। ये क्या है आत्म प्रदर्शन के अवसर? शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, शिशुओं में आत्म प्रदर्शन की भावनाएं होती हैं और जिससे उसे ऐसे कार्य करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी इस भावना को प्रदर्शित कर सकें। और कविता पाठ हो गया, कला हो गए, शिल्प कला हो गया आदि के माध्यम से
शिशुओं को अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, जिससे उनमें जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, वो सही प्रकार से विकसित हो सकें और उनको शिक्षक सही मार्ग निर्देशन दे, जिससे उनको अपेक्षित दिशा में काफ़ी गति दिया जा सके या उसको तीव्र किया जा सके। इस तरीके से आत्म प्रदर्शन के अवसर भी बच्चों को अगर दिया जाए, शिक्षा के अवसर करते समय इसका ध्यान रखा जाए, तो बच्चों के लिए काफ़ी हितकर होगा। बच्चों में जो भी भावनाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो ज्ञान है, वो जो जैसा कर सकता है, उससे वह काफ़ी उसको मदद मिल सकती है। तो आत्म प्रदर्शन के अवसर भी दिया जाए तो उनको अच्छी इस तरीके से शिक्षा के साथ साथ ऐसे सामाजिकता का विकास हो सकेगा। तो अच्छी आदतों का निर्माण, अच्छी आदतें क्या हैं? जैसे कि हमने पहले शुरू में बताया कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें सही गलत, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, सामाजिक असामाजिक, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ों में अंतर करना उनको नहीं आता, एक तरीके से उनका ज्ञान नहीं होता है, जिससे बच्चों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनैतिक असामाजिक होती हैं, उसको भी वे करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है शिक्षा का आयोजन करते समय कि ऐसी अगर कुछ बातें हैं बच्चे में, ऐसे कुछ विकार हैं, तो उनको दूर करने के लिए, उनको भविष्य के लिए अच्छे मार्गदर्शन देने के लिए धीरे धीरे उनको शिशु प्रारंभ से ही दैनिक व्यवहार एवं सामाजिक जो शिष्टाचार है उनके अच्छी आदतों की ओर उनको अग्रसर करना चाहिए। अगर बच्चे प्रारंभ में ही इन सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तो आगे उनको कोई कहीं से दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छी आदतों के निर्माण पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए शिक्षालयों में, विद्यालयों में, प्लस घर के माता पिता जो हैं वो भी ध्यान दें। बच्चों के सामने जो उनको करने से रोके वैसा कार्य आप या बड़े लोग जो भी हैं वो ना करें, जिससे बच्चों में अगर ऐसा होता है तो उसका आपकी बात का प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप उसमें ज़बरदस्ती घुसे रहते हैं। तो इस तरीके से अच्छी आदतों का निर्माण भी इस समय किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में संतुष्टि मिले और बच्चे सही गलत का विभेद भी करना समझ जाए। फिर अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का या व्यक्तिगत विभेद का ज्ञान। व्यक्तिगत विभेद क्या है? जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि विकास का स्वरूप यह बताता है शिशुओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जो विकास का प्रोसेस हम लोग पढ़े थे उसमें देखे थे शिशुओं में जो विकास का स्वरूप होता है उसे जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और शिशु के स्वाभाविक विकास के लिए शिक्षा प्रदान करते समय उनका विभिन्न प्रकार के जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पर उचित ध्यान दिया जाना आवश्यक। करके सीखने की महत्ता। अगला है करके सीखने की महत्ता। शिशु जन्म से ही काफी क्रियाशील होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तब से ही बहुत क्रियाशील होता है, तो इसलिए विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं अलग अलग, तथा खेल कूद हो गया, उसकी उसमें सहज रुचि होती है, खेल कूद में उसकी सहज रुचि होती है, अतः उसे करके सीखने की अवसर काफ़ी देना चाहिए तथा खेल द्वारा नई बातों को सिखाने जाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इन सारी बातों का अगर ध्यान एक शिक्षक रखेगा या शिक्षक के साथ साथ माता पिता भी रखेंगे तो बच्चों के लिए अच्छी प्रकार से शिक्षा का आयोजन हो पाएगा, जिससे बच्चों का सर्वांगीण और संपूर्ण विकास करें बच्चे अपना। तो इस तरीके से हमने इसमें अभी बताया आपको कि क्या शैशवावस्था में बालक की क्या क्या विशेषताएं हैं, लगभग 12-13 विशेषताएं हमने बताया, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार से ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। और शैशवावस्था विकास की विशेषताओं को अगर ध्यान रखें तो ध्यान में रखने के उपरांत जो प्रयुक्त बिंदुओं के अनुरूप चीजें नहीं हो पा रही थी एवं
शैशवावस्था विकास की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं को ध्यान में रख करके यदि उपरोक्त बिंदुओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, तब संभवतः शिशुओं का सहज, सरल और अधिकतम ढंग से सर्वांगीण विकास हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने शैशवावस्था के बारे में बताया, इसकी विशेषताएं क्या है, ऐसे बालकों को बालकों की शिक्षा का आयोजन करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान एक शिक्षक के रूप में देना चाहिए, ये सारी बातें हमने आज अपने वीडियो में आपको बताई। अभी भी थोड़ा समय है तो हम लोग चलते हैं बाल्यावस्था पे भी आ जाते हैं ना। बाल्यावस्था में विकास, डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अर्थात बचपन में बच्चा जैसे है बाल्यावस्था में, तो मूल रूप से ही उसका उसी तरीके बन जाता है। तो बाल्यावस्था में विकास, डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड में क्या है, बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बालक अपने वातावरण से काफी परिचित हो जाता है। जैसे वो इन्फेंसी पीरियड से इसमें आता है, तो हमने बताया कि किसका किसका विकास होता है, सामाजिक भावना का विकास, नैतिक भावना का विकास और इसके साथ साथ सहयोग की भावना का विकास। तो बालक इस प्रवेश में आने के समय तक उसका आधा विकास हो जाता है जितना उसको होना होता है। तो बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बालक अपने वातावरण से काफी परिचित हो जाता है और परिचित हो जाने के कारण इस अवस्था में वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ कर देता है तथा उसमें भौगोलिक औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। अगर हम शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था को जीवन की एक अगर कहें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपनी आदतों, व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं आदि प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है। आदि प्रतिरूप क्या करता है, निर्माण कर लेता है, और इससे क्या होता है कि इससे उन्हें बाद में रूपांतरित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। सामान्यतः जैसे अगर 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच के जो बालक हैं उन्हें अगर देखें तो 20 की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में बालक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा लगभग लेना सभी बच्चे प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए शिक्षा शास्त्री शिक्षा शास्त्री इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक विद्यालय आयु भी कहते हैं। इस अवधि में बालक में स्फूर्ति काफी होती है, बालक फुर्तीला काफी होता है, इसलिए इसको स्मार्ट एज भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा। कुछ लोग इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे खेल कूद में बहुत सारे धूल मिट्टी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम भी इसके दिए, स्पोर्ट की अवस्था, गंदी अवस्था, प्रारंभिक अवस्था या विद्यालय आयु, ये सारे नाम से भी इसको जाना जाता है, सारे नाम से भी इसको कह सकते हैं, पुकार सकते हैं। तो क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद करने लग जाता है, जिसके कारण फुलाया हुआ, गंदा और लापरवाह होता है। तो बालक की विकासात्मक, बाल्यावस्था में विकासात्मक विशेषताएं कौन कौन से हैं, हम लोग अब उस पर चर्चा करेंगे। तो बालक की जैसे शैशवावस्था में जो उसकी विकासात्मक विशेषताएं थी, वैसे ही बाल्यावस्था में भी उसकी विकासात्मक व्यवस्था है। तो आइए अब हम लोग उस तरफ चलते हैं। बाल्यावस्था में विकास, विकासात्मक जो विशेषताएं क्या है, सबसे पहला क्या है, शारीरिक जो भी उसके पक्ष हैं विकास के,
उन पक्षों के आधार पर अगर हम देखें तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि शैशवावस्था में हमने बताया, तो उन विशेषताओं के आधार पर हम उनके जो विकास की विशेषता है उसको जान करके, उसका ज्ञान अर्जित करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, जैसे वहां पर तीव्रता थी जब हम लोग शैशवावस्था पढ़ रहे थे, वहां शारीरिक और मानसिक विकास में काफी तीव्रता थी, यहाँ पे तीव्रता के बजाय स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मॉरल मेंटल ग्रोथ। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। क्यों आ जाती है? जिससे विकास की गति थोड़ा स्लो हो जाती है, स्थिरता आ जाती है जिससे विकास की गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है, रुकती नहीं है बल्कि उसमें थोड़ा सा गति में परिवर्तन होकर के वह धीमा हो जाता है। तो विकास की स्थिरता बालक की मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो इसकी चंचलता कम होने लगती है, जो बच्चा शैशवावस्था में काफी चंचल होता है, उद्दंड होता था, वो थोड़ा बहुत इसमें कमी आ जाती है और उसका मस्तिष्क काफी परिपक्व सा दिखाई देता है, हर चीज को बड़ा मैच्योर ढंग से करता है, ऐसे जैसे बड़े लोग करते हैं, तथा वयस्कों के समान उसका व्यवहार होता है, जैसे बड़े लोग करते हैं वैसा वो भी व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। एक रास मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? ये बात ध्यान रखना, किसने कहा था? जीएस रास ने कहा था। फिर अगला है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, बाल्यावस्था के दौरान बालक की जो विभिन्न मानसिक योग्यताएं, उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है और इस अवस्था में बालक में संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति आदि योग्यताओं में अगर हम देखें तो काफी वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से मानसिक योग्यताओं में वृद्धि बच्चों में इस अवस्था में देखी जाती है। फिर जिज्ञासा की प्रबलता यहाँ पे भी रहती है, जैसे शैशवावस्था में हमने कहा था कि जिज्ञासु होते बच्चे, वैसे यहाँ पे भी उनके जिज्ञासा की काफी प्रबलता होती है, बच्चों में हर चीज को जानने समझने की प्रबल इच्छा होती है और जिसके कारण इस अवस्था में बालक में जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है, वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके संबंध में तरह तरह की जानकारी वो रखना चाहता है और इसके कारण चूंकि उनको ज्ञान का बोध नहीं होता, तो जो भी उसके माता पिता हैं या शिक्षक हैं उनसे वह अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करता है और उनसे वह अपनी जिज्ञासाओं के विषय में जो उसकी सोच है, समझ है, उसको उससे वह संतुष्टि पाना चाहता है। तो इस तरीके से शैशवावस्था में बालक के द्वारा पूछे जाने वाले जिज्ञासा प्रश्न, स्मरण प्रश्न होते हैं तथा जिसके द्वारा वह विभिन्न वस्तुएं क्या हैं इसकी जानकारी प्राप्त करता है। इसके विपरीत बाल्यावस्था में बालक क्यों, कैसे के प्रश्न अधिक पूछता है और विभिन्न विषयों से संबंधित जो उसकी विस्तृत सूचनाएं हैं उसको, उसके मध्य कार्य कारण संबंधों को वह समझना चाहता है, उसके मध्य जो संबंध है क्यों है, कैसे हैं, ये सारी बातें उसमें देखी जाती हैं। तो इस तरीके से इस अवस्था में भी बच्चों में जिज्ञासा की प्रबलता काफी देखी जाती है। अगला है आत्मनिर्भरता की भावना, ये बातें महत्वपूर्ण है। अभी हमने इसमें देखा था कि बच्चे आत्मनिर्भर पर निर्भर रहते हैं, दूसरे ऊपर निर्भर रहते हैं, तो यहाँ पे वो स्वनिर्भर हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अपनी दैनिक क्रियाकलाप, अपने खाना खा लेना, अपने से नहा लेना, अपने कपड़े पहन लेना, ये सारी क्रियाएं बच्चे धीरे धीरे करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आत्मनिर्भरता
से हट करके यहाँ पे बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, पर निर्भरता के स्थान पे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और बाल्यावस्था में बालक शैशवावस्था के समान जो अन्य आश्रित रहते थे उन पर वो आश्रित नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत कार्य जैसे स्नान करना, वस्त्र पहनना और स्कूल जाना, जाने के लिए तैयार होना, ये सारी चीजें स्वयं करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होने लगती है तथा वह अपने अधिकाधिक कार्यों को ही स्वयं करना चाहता है। तो उसमें पर निर्भरता की अपेक्षा यहाँ पे आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, बच्चे जो हैं वो रचनात्मक कार्य, जितने भी क्रिएटिविटी से युक्त कार्य, उसको करने में काफी काफी रुचि लेते हैं। लड़के बगीचे में काम करना, लड़कियां लकड़ी, कागज या अन्य किसी वस्तु से कुछ खेल आदि निर्मित करना, ये जैसे कार्य से आनंद की प्राप्ति का अनुभव होता है, उन्हें आनंद मिलता है। लड़कियां सिलाई बुलाई, कटाई कढ़ाई से संबंधित कार्यों को करने में रुचि लेती हैं। इस तरह से रचनात्मक कार्यों में काफी रुचि होती है बाल्यावस्था में, बच्चों में रचनात्मक कार्यों को लेकर के काफी उसमें रुचि पाई जाती है। अगला है सामूहिक पूर्वित प्रकृति की सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, हमने भी वहां जब शैशवावस्था पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि बच्चों में सामाजिक और नैतिक गुणों का भाव पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, बाल्यावस्था में बालक घर पास पड़ोस या अन्य बालकों के साथ, अन्य बच्चों के साथ जब जाते हैं तो क्या होता है, उनमें धीरे धीरे सामाजिकता का दायरा बढ़ता जाता है, सामाजिक विकास उनका होता जाता है और उनमें नैतिक भावनाओं का भी विकास होता है, जिससे वह एक दूसरे से मिलकर के, एक दूसरे के सहयोग से वो अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो बालक पास पड़ोस के अन्य बालकों तथा विद्यालय के छात्रों के साथ काफी समय व्यतीत करते हैं, उनका व्यवहार, दूसरों के प्रशंसा करना, उनकी निंदा करना, इन पर आधारित रहता है, जिसके फलस्वरूप उसमें अनेक सामाजिक व नैतिक गुण जैसे आज्ञा पालन हो गया, सहयोग हो गया, सहनशीलता हो गया, ईमानदारी हो गई, सत्यनिष्ठा हो गई, सद्भावना हो गई, सहानुभूति हो गई, सद्व्यवहार हो गया, आत्मनियंत्रण हो गया, अनुशासन हो गया आदि का विकास धीरे धीरे उनमें होने लगता है। तो सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास यहाँ पे इस अवस्था में होता है। फिर अगला सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामूहिकता क्या है, बच्चे अकेले में नहीं बल्कि समूह में रहना उनको ज्यादा अच्छा लगता है, या उनको उनके साथ बैठना, समूह में लोगों के साथ बातचीत करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ पढ़ाई करना, उनके साथ वाद विवाद करना, तो ये भी भावना उनके अंदर काफी प्रबल होती है। और इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामूहिकता की प्रबलता बढ़ी होती है, वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरों के साथ, दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है, उसकी रुचि सामूहिक खेलों में अधिक होती है और इस अवस्था में बालक प्राय किसी न किसी समूह का एक सदस्य भी बन जाता है और उस समूह के सभी सदस्य मिलकर के खेल खेलते हैं तथा अन्य कार्य करते हैं। इस अवस्था में बालक समूह में रह करके विभिन्न क्रियाकलापों को करने का जो है इच्छुक रहता है। तो इस तरीके से बच्चों में सामूहिकता की भावना काफी प्रबल होती है, सामूहिक विचार काफी प्रबल होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास क्या है, बहिर्मुखी क्या है, जहाँ पे हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, यहाँ पे बस इतना ही जाना है। बहिर्मुखी का मतलब है कि बच्चे बोलना, ज्यादातर लोगों के साथ रहना, बैठना, दोस्त बनाना, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना, तो और काफी बातचीत करना, तो ये बहिर्मुख
मुखी व्यक्ति जो अंतर्मुखी रहते हैं बाल्यावस्था में, शैशव अवस्था में, यहाँ पे उनमें बहिर्मुखता का विकास हो जाता है और वे अंतर्मुखी से हट करके बहिर्मुखी हो जाते हैं। एकांत प्रिय तथा केवल अपने में ही जो रुचि रखते थे, इस अवस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगते हैं और वह प्रायः बाह्य जगत में उनकी रुचि बढ़ जाती है। बालक अन्य व्यक्ति, वस्तुओं व कार्यों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त करना चाहता है। संग्रह की प्रवृत्ति, बच्चों में बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में वस्तुओं की संग्रह करने की भी प्रवृत्ति काफी देखी जाती है। खिलौने हो गए, टुकड़े हो गए आदि का संग्रह करने में विशेष रुचि लेते हैं। बालिकाएं चित्र खेल, चित्र बनाने, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े आदि का संग्रह करने, ये सारी चीज़ें का संग्रह करना करने जैसी बात भी इस अवस्था में देखी जाती है। तो संग्रह की प्रवृत्ति भी बच्चों में इस आयु में देखी जाती है। तो आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे जो भी बातें बच गई बच जा रही हैं उसके आगे हम लोग बात करेंगे। और तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए और इसको देख करके कुछ अपने ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करते होंगे, ऐसी ऐसा विश्वास के साथ हम आज की बात यहीं तक खत्म करते हैं। आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ठीक है, रखते हैं फिर, ओके।